हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट की सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपना बर्ल्ड बना लेते हैं। मैं बना लेता हूँ अपना बर्ल्ड। ओके, तो मैं बर्ल्ड मार चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं मैप ओपन कर लेता हूँ। और हाँ, एक और चीज़, सबसे पहले मैं बर्ल्ड बताता हूँ क्रिएटिव करके। A few minutes later. ये देखो भाई, लग रहा है ना शानदार वर्ल्ड। वहाँ पे मैं अपना बेस बनाऊंगा सबसे बीच में। और हाँ, यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पास ही में एक विलेज भी है। तो चलो भाई, पहले विलेज से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं विलेज में ही रहूँगा क्योंकि वहाँ पे रहने कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे। तो मैं सब चीज़ यहीं से स्टार्ट करके फिर वहाँ पे रहूँगा। पहले तो एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा घूमते हैं विलेज को, फिर देखते हैं। थोड़ा सा खाना भी ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास हेल्थ नहीं है ज़्यादा। तो सबसे पहले भाई रिस्पॉन सेट कर लेता हूँ, नहीं तो मैं अगर मरा तो बहुत दूर चला जाऊँगा। तो सेट कर लेता हूँ, हो गया सेट, कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पे केव भी है, माइनिंग करने में दिक्कत नहीं होगी, यहीं पे माइनिंग करने आऊँगा। पहले तो मैं जितना भी सामान रखा हूँ वो सब रख के आता हूँ, नहीं तो ये मैप घूम गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चेस्ट के साथ मैंने फर्नेस और ज़रूरत के सामान वगैरह बना लिया हूँ। चलो, रात भर हो गई है, जल्दी से सो जाता हूँ, पर नेक्स्ट डे देखते हैं क्या करें। ये ब्लेज की सड़क टूटी फूटी है थोड़ी, इसको भी रिपेयर कर लेते हैं। माइनिंग करने से पहले मेरे को आयरन मिलेगा, पर पहले मेरे को स्टोन लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास टूल्स नहीं है। स्टोन के टूल्स बनाऊंगा फिर उसको लूँगा। ओके, तो पहले क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। कहाँ गई, ये रही एक्स और पिकेक्स। चलो अब आयरन ले लेता हूँ, देखते हैं कितने मिलते हैं। सोचते रहो कम से कम इसमें 4-5 तो मिल जाए। अब देखते कितने मिलते हैं, उनको तोड़ के भी देख लेते, अगर अंदर और मिल जाए तो अच्छी बात होगी। मेरे को नहीं लगता अब यहाँ पे कुछ आयरन बचे होंगे, अब अंदर ही जाना पड़ेगा केव के। और एक तो यहाँ पे जाने से डर लग रहा है भाई, इतने सारे मॉब्स यहाँ बाहर ही घूम रहे हैं, तो अंदर कितने सारे होंगे। पहले तो क्रीपर फोड़ना पड़ेगा भाई, अपना ब्लेजर बच गया, नहीं तो वो भी बढ़ जाता है। एक स्केलेटन बच गया, इसको मार देता हूँ। चलो ये भी गया। अब यहाँ पे ये क्रीपर ने गड्ढा और कर दिया, इतना अंधेरा हो गया। अब यहाँ पे और मॉब्स स्पॉन हो गए। इस अच्छे में एक टॉर्च लगा दे रहा है यहाँ पे, इनकी समाधि बना दे रहा है। ये लो आत्मा की शांति के लिए। चलो भाई, अब फिर से माइनिंग करता हूँ। यहाँ पे कोल बहुत सारे हैं, इनको दूंगा पहले। नीचे बहुत सारे मॉब्स अभी नहीं जाऊँगा, बाहर ही कोल कलेक्ट कर लेता हूँ। Share it with you, walking through all the time.
यहाँ पे कोल की कमी नहीं है, बहुत सारे मिल गए मेरे को, और मैं टॉर्च और बना लेता हूँ, टॉर्च की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। चलो यहाँ से तो मेरे को बहुत सारे कोल मिल गए, अब देखते हैं सर नीचे जाके। पहले एक काम करता हूँ और चेस्ट बना लेता हूँ, बहुत सारे सामान है, अगर मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। मेरा क्राफ्टिंग टेबल कहाँ गया, क्राफ्टिंग टेबल चाहिए पहले तो, अंदर से लेके आना पड़ेगा। चलो पहले तो मैं सारा सामान साइड में रख देता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। थोड़ा मैं इधर ऊपर जाने के लिए भी रास्ता बना दे रहा, आने जाने में दिक्कत ना हो। रास्ता बनाने के बाद भी गिर गया भाई मैं। टॉर्च ले लेता हूँ थोड़ी सी भाई, लगा देता हूँ यहाँ पे, याद रहे ताकि ये रास्ता है मेरा, मैं तुम्हारा रास्ता भूल जाता हूँ। इतने जल्दी रात भी हो गई, सोना पड़ेगा अब। चलो भाई सुबह हो गई, अब बाहर जाते। अरे भाई ये और मुंह पे बंद कर देता गेट, कभी नहीं सुधरेगा। अब ये ले भाई पिटेगा आपको, अब ज़ॉम्बी देखेगा उसको मेरा बदल देगा। ये ज़ॉम्बी तो मेरे ही मार रहा भाई, वैसी हेल्थ नहीं मेरी, भागना पड़ेगा। एक काम करता हूँ मर जाता हूँ, कौन हेल्थ बढ़ाएगा खा के, उस सच में मर ही जा रहा। वाह अभी भी बच गया मैं, जीरो हेल्थ में, जीरो हेल्थ में पहली बार देख रहा हूँ बच सकते हैं।
वहाँ पे जाकर मरूंगा, यहाँ मर जा रहा, सामान भी उठाने में दिक्कत नहीं होगी। मैं सोच रहा हूँ आप थोड़ा नीचे जाके देखते हैं यार, केव के अंदर सारे सामान तो वैसे ही है नहीं मेरे पास, पहले तो उठा लेता ये सब, पर ये सब सामान रख के फिर जाता हूँ मैं नीचे, सब टॉर्च ले जाऊँगा और वो ले जाऊँगा पिकैक्स। एक तो यहाँ पे कितना ज़्यादा अंधेरा यार, और ये क्रीपर और आ गया, अब इसको फोड़ना पड़ेगा पहले। आजा भाई तू आजा, पहले आजा, फिर से मेरी हेल्थ कम हो गई, अब भी तो मर के आया था मैं, खैर छोड़ो अब। यहाँ पे आयरन मिल गया, पहले तो मैं ऊपर का रास्ता ठीक करता हूँ। अच्छा यार ये लोग मैं काम और निकलने देते हैं, ऑटोग्राफ मांगने आ गए मेरा, अभी रुको तो मैं ऑटोग्राफ देता हूँ। ये ले भाई मेरा ऑटोग्राफ। चलो अब रास्ता साफ है, आयरन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे तो अच्छा खासा आयरन मिल गया, 11 आयरन हो गए। अब ये और आ गया भाई बैठने के लिए, मानना पड़ेगा भाई, फिर से मैं 0 हेल्थ में बच गया, क्या लक मेरा। अरे भाई ये तो गिर गया था नीचे, ऊपर कैसे आ गया, हमने को सारा सामान उठाना पड़ेगा। अब ये बच्चा और आ रहा है मारने के लिए मेरे को, इसको पहले मार देता हूँ, आग लगा दी मेरे ऊपर इसने। चलो भाई बहुत टाइम पास कर लिया, अब एक काम करते घर बना ले रहा मैं, उनको छोड़ो ये तो आते रहेंगे। मैं भाई ट्री हाउस बनाना चाहता हूँ, ट्री हाउस के लिए पहले तो पेड़ काटने पड़ेंगे।
यार सामने को घर बनाऊंगा तो मैं जगह भी साफ कर लेता हूँ। अब बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे घर बना लूँगा मैं। तो मैंने ये पेड़ लाए हैं तो पेड़ लगा लेता हूँ, ये बड़े हो जाएंगे जब मैं बनाऊँगा अपना ट्री हाउस। यार इनको बड़ा कैसे करूँ, बड़े करने के लिए मेरे को बहुत सारे बोन लगेगी, बोन कहाँ से लाऊंगा। चलो एक तो रखिए, एक से एक करके देखता हूँ, अगर कुछ हो तो बढ़िया रहेगा। एक तो बड़ा हो चुका है, अब दूसरों को देखते हैं तो दूसरे बड़े होते कि नहीं। मेरे को लगता है ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 दिन लग जाएंगे इनको बड़े होने में। चलो एक काम करते हैं, मैं बहुत सारे बुड लाता हूँ और मैं खुद का एक पेड़ बनाऊँगा खुद से ही। चलो इतना तो बन गया गेट वगैरह, अब ऊपर का करना है, ऊपर का और बन जाए फिर तो हो गया घर मेरा। ऊपर का तो बन गया, पत्तियां और ले आ लेता हूँ। ये देखो गाइस अब लग रहा है ना ट्री हाउस, अब इसमें थोड़ी और कुछ चीजें रह गई है, अब बोर कर देता हूँ मैं। ऊपर से बनाना पड़ेगा, ऊपर से कुछ हुआ नहीं है, ऊपर का ठीक करना है। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं अब तक के लिए बाय बाय।